हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आज क्रिएशन। वेलकम बैक टू अनदर मिसो हॉल। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लिख के आई हूँ पार्टी वेयर क्लच बैग्स। गाइज, बहुत ही ज़्यादा इन ट्रेंड है आजकल क्लच बैग, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्टी वेयर क्लच बैग किया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको इसमें से किसी भी कोई भी क्लच बैग अच्छा लगता है तो आप बाई कर सकते हैं। तो गाइज, मूविंग टू द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो मूविंग टू द फर्स्ट बैग या क्लच, जो फर्स्ट क्लच है गाइज, वो इस तरह से रेड कलर का है। इसमें और भी कलर्स था गाइज, मैंने ये रेड कलर का लिया है। एंड आप देख सकते हैं पूरे क्लच में, आप देख पाएंगे ये गोल्डन कलर का पूरा वर्क किया गया है, मोती एंड आपका इस तरह से फ्लावर टाइप का मेटेलिक कुछ है, उस तरह से पूरा वर्क किया गया, काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड जो इस साइड से आप मटेरियल देख सकते हैं, ये पूरा सिल्क का मटेरियल है गाइज, काफ़ी सुंदर सा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है गाइज। ये क्लच 286 या समथिंग का था, तो बहुत ही प्यारे रेट में था। एंड ये सेम क्लच मैंने अमेजोन पर भी देखा था, बट आई डोंट, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सकती क्वालिटी, बट इसका जो क्वालिटी है काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है गाइज, आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। एंड जो इसका वर्क भी किया गया है वो भी काफ़ी अच्छा सा वर्क किया गया है। तो मैं अंदर आपको दिखा देती हूँ ये कैसा है। यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक बटन्स दिया गया है एंड अंदर में, तो अंदर में आप देख पाएंगे गाइज, यहाँ पे एक चेन है और यही आपको दो ये में डिवाइड कर देता है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो इस तरह से मोती का आपका एक छोटा सा हैंडल भी दिया है, तो आप अगर इस तरह से भी इसको पकड़ना चाहते हैं तो आप इसको पकड़ सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अगर आप इसको गिफ्ट भी करना चाहते हैं किसी को, तो आप गिफ्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप इसको अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये 286 का था गाइज, इसका प्राइस मैं आपको साइड में ऐड कर दूँगी एंड इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा गाइज, एंड इसको आप अभी जो भी दिवाली, दशहरा, जो भी फेस्टिवल आ रहा है, आप इसमें डेफिनेटली इसको मतलब ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो गाइज, मूविंग टू द सेकंड क्लच, जो सेकंड क्लच है वो मैंने ये लिया है, ये बाइक किया है गाइज, ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इन ट्रेंड है गाइज, बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से है आपका, आप इसको इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। एंड पूरा ही क्लच में अगर आप देखेंगे तो ये राउंड बोल जैसा है एंड पूरा ही क्लच में आपका इस तरह से वर्क किया गया। एंड नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से बॉल, सॉरी स्टोन चेन जो होता है वो इस तरह से हैंग किया गया, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है दोनों साइड में इस तरह से। एंड इसको ओपन कुछ इस तरह से पुश करके ओपन करते हैं, करने के लिए गाइज यहाँ से आपको इस तरह से पुश करना होगा थोड़ा सा, एंड ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस भी है अंदर में, तो आप इजीली इसमें अगर पार्टीज़ में जा रहे हो तो आप लिपस्टिक एंड एवरीथिंग जो भी छोटा मिनिमल जितना भी होता है वो आप कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्लिंग बैग भी, स्लिंग चेन भी दिया हुआ है, तो अगर आप इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसको मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरह से इसको होल्ड करें, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है गाइज। एंड यही सेम प्रोडक्ट मैंने अमेजन पर भी देखा था, वो आई थिंक कुछ 1100 या 1200 का था, बट ये मैंने मीशो से बाय किया एंड मीशो में मुझे 959 या समथिंग में मिला है। तो गाइस, मैं इसका प्राइस सबको साइड में ऐड कर दूंगी, तो आप देख पाएंगे। एंड आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी एज वेल एज इसका जो क्वालिटी है गाइस, काफ़ी प्यारा है। एंड ये जो गोल्डन कलर का जो दिया हुआ, गोल्डन कलर जो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ये भी काफ़ी फिनिशिंग वर्क है। एंड ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा मेटल है गाइस, एंड ये बहुत ही प्यारा सा बैग लग रहा है। तो इसको इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर सा है गाइज। एंड नीचे साइड में अगर मैं आपको दिखा दूँगी तो ये इस तरह से गोल्डन कलर का है, एंड यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया हुआ, तो काफ़ी प्यारा सा है गाइज। एंड इसमें सामान भी अच्छा खासा, दो तीन लिपस्टिक आ जाएगा एंड एवरीथिंग जो भी आप कैरी करना चाहते, इसका भी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मूविंग टू द थर्ड क्लच गाइज, जो थर्ड क्लच है वो मैंने ये लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है गाइज, एंड इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, आपको दोनों साइड से मैं दिखा देती हूँ, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है गाइज। एंड इसको भी इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लिंग आपका चेन दिया हुआ है, तो ये भी अच्छा सा ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा अंदर का क्वालिटी, जो ये कपड़ा का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर एक रबर टाइप का दिया हुआ, कुछ इस तरह से आपको इलास्टिक टाइप का दिया हुआ, तो ये भी काफ़ी अच्छा है गाइज, एंड इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। एंड ये 200
हंड्रेड समथिंग का है, तो इसका भी प्राइस मैं आपको साइड में ऐड कर दूँगी। तो इसको एज अ स्लिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको एज अ क्लच ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह से काफ़ी प्यारा लगता है। इसका भी कलर आई थिंक 2 to 3 कलर्स में था, आपको इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क दिख रहा होगा पूरा, बहुत ही अच्छा सा थ्रेड ब्लू एंड रेड में, एज वेल एज यहाँ पे गोल्डन कलर का आपका जरी वर्क किया गया, काफ़ी प्यारा लग रहा है गाइस, एंड काफ़ी सुंदर भी, काफ़ी मतलब छोटा सा है बट बहुत ही क्यूट सा है गाइस। तो ये इसका भी प्राइस मैं आपको साइड में ऐड कर दूंगी, एज वेल एज इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मूविंग टू द फोर्थ क्लच गाइस, जो फोर्थ क्लच मैंने लिया है वो इस तरह से रेड कलर का है, एंड इसमें जो वो चिकनकारी वर्क जिस टाइप का रहता है या थ्रेड वर्क, वो वर्क किया गया है पूरा। बट इसका जो पिक्चर मैंने देखा था उसमें पूरा सिक्वेंस वर्क था, एंड ये बहुत ज़्यादा शाइनी था, तो मैंने सोचा इसको एज अ पार्टी वेयर ही यूज़ कर सकते हैं, बट इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्लेन साड़ी या समथिंग, या फिर थोड़ा हैवी भी अगर ड्रेसेस पहन रहे हैं तो उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए क्लच। एंड ये भी काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी अफोर्डेबल रेट में है, एंड इसका जो आप चेन देख सकते हैं, चेन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, एंड अंदर में अगर देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छा सा स्पेस है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना सारा सामान रखा हो, तो ये काफ़ी अच्छा सा स्पेस है, एज वेल एज यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग आपका मतलब स्लिंग के लिए एक चेन दिया गया है, तो अगर आप इसको भी ऐड करना चाहते हैं या एज अ स्लिंग यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको एज अ स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा क्लचेस हो गया, तो मैं इसका मटेरियल नहीं निकाल रही हूँ, इसको अभी रखने वाली हूँ, बाद में यूज़ करने वाली हूँ। तो गाइज़ ये भी बहुत सुंदर सा एंड काफ़ी प्यारा लग रहा है गाइज़, आप इसका वर्क देख सकते हैं, एंड इसमें बीच बीच में इस तरह से सिक्वेंस मीन्स जो छोटे छोटा स्टोन्स सॉरी सिक्वेंस होता है वो उस तरह से है, देखिए वो थोड़ा थोड़ा लाइट्स भी दे रहा है, एंड इसका जो चेन है वो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है गाइस। तो मूविंग टू द फिफ्थ जो बैग या क्लच मैंने लिया है वो एज अ स्लिंग बैग है गाइज, एंड ये पूरा स्नेक पैटर्न में है, आप देख सकते हैं इस तरह से स्नेक पैटर्न में है, एंड बैक साइड भी इसी तरह से स्नेक पैटर्न में, ये थोड़ा बड़ा है, एंड इसको आप इस तरह से एज अ स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से छोटा करके भी छोटा सा यूज़ कर सकते हैं, मैं यूजली इसको ऐसे यूज करूँ, बट मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा गाइज, एंड बैक साइड आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से ओपन होता है, आपको दिख रहा होगा, एंड ये इस तरह से ओपन होता है, अंदर में चलेंगे तो यहाँ पे एक और दो कंपार्टमेंट है गाइस, एंड ये इससे ये डिवाइडेड है, इसमें भी इस तरह से चेन है, तो ये मतलब इन टोटल 3 कंपार्टमेंट हो गया, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गाइस, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा रूम है, तो आप इसको ईजिली इसमें बहुत सारा सामान, फ़ोन एज वेल एज अगर छोटा वॉलेट है वो, देन आप लिपस्टिक मेकअप प्रोडक्ट्स ईजिली कैरी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस के ज़्यादा अच्छा लगेगा as compared to इंडियन ड्रेसेस, एंड ये पार्टी वेयर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं तो कुछ आप पार्टी वेयर इसको एज अ पार्टी वेयर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मेरा जो लास्ट क्लच है इस सॉरी गाइज इसका भी प्राइस मैं आपको साइड में ऐड कर दूंगा, एंड इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप बाई कर सकते हैं। तो गाइज जो मेरा लास्ट क्लच है, क्योंकि 2-3 क्लच तो मेरा आया नहीं है अभी तक, तो मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगी अगर वो रिसीव हो जाएगा तो मैं आपको डेफिनेटली उसमें शो कर दूंगी। तो गाइस जो मेरा लास्ट क्लच है वो इस तरह से है, आप देख सकते हैं ये भी पिच कलर का है गाइस, एंड इसका भी बहुत सारा कलर्स था, एंड आप देख पाएंगे पूरा ही इसमें सीक्वेंस वर्क है एज वेल एज थ्रेड सॉरी पूरा ही इसमें ज्वेलरी वर्क है एंड एज वेल एज थ्रेड वर्क है गाइस, काफ़ी प्यारा लग रहा है, एंड इसका जो ऊपर का आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नोट दिया गया है उसमें बहुत ही प्यारा सा एक डायमंड फिट किया गया है, एंड यहाँ पे ये इस तरह से इसको थोड़ा सा पुल करके ऐसे इसको ओपन कर सकते हैं, ये आपको दिखा देती हूँ, ये इसमें इतना स्पेस है गाइज, तो आप छोटा लिपस्टिक एंड एवरीथिंग आप कैरी कर सकते हैं, इसके साथ भी इस तरह से स्लिंग का आपका चेन दिया गया है, तो अगर आप लोगों इसको एज अ स्लिंग भी यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज इसका भी प्राइस समथिंग 200 समथिंग था, तो उसका भी प्राइस मैं आपको साइड में ऐड कर दूंगी, एज वेल एज इसका लिंक मैं आपको कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइस बैग्स में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता, तो जो भी एक्सप्लेन करने के लिए था वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। होप यू लाइक माई वीडियो। तो गाइज अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एज वेल एज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हर एक न्यू वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा। तो दिस वॉज फॉर टूडे गाइज, एंड एट द लास्ट मैं बताना चाहती हूँ ये जो ड्रेस मैंने वेयर किया है ये भी मीशो का है गाइज, इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं ये ड्रेस तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।
इसके साथ बहुत सारा और भी कुर्ता सेट था, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं गाइस। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो दिस वॉज फॉर टुडे गाइस, बाय।